हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, सुबह काफ़ी जल्दी हो गई थी और नाश्ता वगैरह लेकर आया, नाश्ता भी कर लिया बट ओपनिंग नहीं कर पाया था। अब जाके मैं ओपनिंग कर रहा, अभी मैं उतर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ नए वाले घर पे, कुछ काम था छोटा मोटा, तो पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। गाइस बने रहिए वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़े टाइम बाद। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली को, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बकरा आ गया है, जैनब का गल्ला मेरा गल्ला मिला के एक न्याज हो रही। मैं तो सोचती बंदे नवाज के दरगाह पे उनके नाम से करूंगी, तो गौसपा के नाम से भी यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। देखो आप देख सकते, दूसरा बकरा ये है, जवारी बकरा बोलते है ना, जवारी बकरा मतलब गौठी बकरा ये। तो माशाल्लाह हम लोग सोचे थे कि जो गल्ले हम लोग गौसपा के नाम पे डालते, वो गल्ले में 100-100 रुपए डालते थे, तो मैं सोची कि वो गल्ले से पैसा निकलेगा तो मीठा बनाएंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी नियाज हो रही, तो महबूब सुबहानी की यहाँ पे गौसपा का छिल्ला जलता है, वहाँ पे गौसपा के नाम पे होएगा और ये बंदे नवाज के नाम पे होगी नियाज। माशाल्लाह दुआ करना, मेरी बहन खड़ी है बहुत लंबा, देखो असमदानी बहुत खुश हो रहा है ना। चलो कि आज सुबह का नाश्ता है चने की भाजी, मतलब चने की भाजी हर बोरे की ना, हरबोरा बोलते ना अपन, उसकी भाजी बनी है गांव में। ये मेथी मटन, मेथी मटन गोश्त डाल के, ये नितारे सेवियां, ये भी नितारे सेवियां, और ये घी और ये शक्कर, ये चोबा। देख सकते हो सुबह का नाश्ता है गांव का कैसा है। मुल्क में भागते सब लोग है ना, देख सकते हैं हमारी मामी बनाई और अपने बच्चे लोग ने बनाया इतना सारा आइटम। दुधिया काटने का स्टाइल देखो इनका, घर बोले हमको सब गावटी आइटम, गावटी कोथमीर गावटी पुदीना सब, गाँव की बात ही अलग है। अदरक लहसुन भी पीसे ला गया है और आपा बैठी है। तो मैंने बोली 16 साल का, तो बोले 9-10 साल का है, तो बोले बम्बई का बच्चा है, चालू बच्चा ही है। चालू बच्चा है माँ, मौसम खराब है मगर ये मौसम का बच्चा ना, ऑल इंडिया मौसम है, 24 घंटा ठंडे पीता हो, ठंडे पे जीता ठंडे पे पैदा मिला। उड़ा दिए बकरे काटे, अभी हमारे जा रहे हैं बंजर नवाज सरकार के नाम पे। ये बोलता है कि बकरा मैं काटता था, मैं मौलाना बनना चाहता हूँ, तो बन जा बेटा मौलाना, ठीक है। अभी दो काटे, हे काम की तैयारी है, क्या बन रहा है खाना, क्या बन रहा है हजरत? बेटा बिरयानी दाल चावल। रो रहा है यूट्यूब की फैमिली, और अभी ये दाल के लिए इमली भीगी है, और ये टोपे घसे जा रहे हैं, और ये लकड़ी है, देखो बकरा कट गया है बंदे नवाज सरकार के नाम पे। आप देख सकते हैं टोप घिस रहे हैं, अभी गैस का बाटला भी आ गया है, चूल्हा भी, लकड़ी भी चलेगी, खाना तैयार हो रहा है। समझा रहा है समदानी को, बहुत समदानी समझ रहा नहीं है, तो तब बकरा काटने दो। सुसेन भी समझा रहा है, सुसेन 11 बजे का चल रहा है, कैसे बोल रहा है ना, गाड़ी वाला है कचरा निकाल। गाना तो बजाओ, कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, डांस कर रहा है तो कचरा वाला। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेग पे खाना पक रहा है, और फिर ये डेग जाएगा वहाँ पे दरगाह पे, वहाँ पे फातिया होगी और सब गरीबों में खाना बटवेगा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग घर के सामने खाना बना रहे हैं, अपने बॉम्बे में तो बोलते ना बावर्ची को देते बनाने के लिए, यहाँ पे हम लोग घर के सामने बना रहे हैं। ये है मेरे दादा का घर, जितना बड़ा इनका घर है उतना बड़ा उनका दीदी है। और गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे खाना पक रहा, खाना रेडी हो चुका है। और बोलिए बाबा जी, बाबा जी कुछ बोले नहीं, दुपट्टा ले ये ना, तो अकबर बांधे मिलके खाना जा रहा है बंदे नवाज दरगाह पे, सब हो चुका है, तैयारी हो गई, बन गया, अभी जा रहे हैं बंदे नवाज सरकार के नाम पे बांटने के लिए। समदानी, समदानी आप क्या पहने हो, किसके कपड़ा पहने हो, नोनाडो का, कौन नोनाडो क्या मालूम,
अरे बहुत खुश है अपने आप में। मेरे पास भी आ रहा ना, माँ से बात कर रहा ना, सी मम से बात कर रहा, अपने इसमें ही घूम रहा है वो। ये बकरा कल कटेगा बड़े पीर के नाम से। ये देखो बॉडी मसाज कर रहा है, हाथ तो नहीं करने का, हाथ पे मत करने का, मसाज कर रहा है। देखो अरे कलेजी बकरे की भून के, एक नंबर कलेजी और चुन चुना, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आ गया है। वो सब फेंटा ला एक बार, कैंपा 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 खाएंगे, चुनचुनी भी खाएंगे। और सब रिक्शा ड्राइवर आ गया ये, है ना समझानी? इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाएगा, कौन सी रिक्शा चलाएगा? ओ रिक्शा वाले भाई, यह नहीं है तू, मैं रिक्शा वाले भाई, रिक्शा वाले भाई भाई भाई। मेरी दादी ने छोटा टक्के बनाए। हाँ तो कैसे लग रहा है आपको इधर? अच्छा। और मेरे दादा ने अंजीर लाए खाने के लिए, मेरे दादा ने अंजीर लाए खाने के लिए। और मैंने क्या खाया? और रोटी। हाँ किसने खिलाए? दीदी। रोटी और पुलाव। हाँ। मैं यहाँ पर बहुत खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मजे में हूँ। जल्दी गाइस, नए वाले घर से काफ़ी टाइम पहले मैं आ चुका था और घर पे आके व्लॉग वगैरह एडिट किया, व्लॉग अपलोड हुआ, सब हो गया। फिर अभी अचानक से शेरिन को पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं उसको शायद गैस पास हो रही नहीं है या क्या वजह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो वॉक भी कर रही है अभी फ़िलहाल, सारी चीज़ें कर रही है, एहतियात बहुत कर रही है, दवाई भी उसकी चालू है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, इतना पेन हो रहा है उसको कि बहुत रोने लग गई। तो अभी मैं उसको अर्जेंटली लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल पहुँच के देखते हैं डॉक्टर से वापस से एक बार बता दे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या प्रॉब्लम है, एक बार प्लीज़ चेक कर लो। तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँच के फिर आपसे मिलता होगा, इस बने रहिए वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़ा टाइम बाद। आपको तो आवाज़ आ गई गाइस, अभी मैं शूट कर रहा था बैक कैमरे से तो दीदी ने चिल्लाए बोले कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें मत छूट उट करो तुम लोग, ऐसा वैसा। अपने शूट नहीं है ना ये चीज़, जैनब भी आई है गाइस, उससे बोली मैं भी चलती हूँ। और फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि मेरे को फिर जैनब ने बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, और अम्मी भी वहाँ से गांव से फोन करके चिल्लाई। मेरा फोन आ रहा है, उठा। सो गाइस ये आदमी वहाँ बैठे हैं, मैं बेड पे हूँ और मेरे को अभी सब इंजेक्शन इंजेक्शन सलाइन, वो क्या बोलते हैं इसमें जो मेरा पे पाइप लगा है, सलाइन का ही पाइप बोलेंगे, क्या मालूम पाइप लगे, छोटा सा पाइप लगा है, वो सब लगा वगा के अभी सब इंजेक्शन से सब पास करे। मुझे वो पहले नहीं दिए थे क्योंकि सोचे थे शायद रुक जाएगा, तो ऐसा है कि एकदम घाई में नहीं दे सकते थे मुझे, कोई भी चीज़ एक्शन नहीं ले सकते थे, इसके लिए रुके हुए थे। फिर अभी फाइनली मुझे सब चीज़ें दे दी गई है, बस यही दुआ है कि भाई रुक जाए कुछ भी करके। हाँ बस अल्लाह से यही दुआ कि बस रुक जाए, कुछ भी हो भाई रुक जाए ये चीज़, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ रही। अभी अम्मी का फ़ोन फिर से 2 से 3 बार आया, समझाने को भी वीडियो कॉल करके अभी देखी, अम्मी चिल्ला रहे हैं मत खाना कोई बेकरी आइटम, नहीं खाना ये, नहीं खाना वो, नहीं खाना। तो ठीक है अभी दही में कुरमुरा डाल के खाने बोले, सो ये शायद दादी ने बोले रहेंगे, जो अम्मी मतलब जहाँ गए ना मेरे दादा के घर पे, तो वो लगता है वहाँ पर दादी ने बोले तो इसीलिए मेरे को बोले कि कुरमुरा और दही खाने के लिए। बट अभी मेरे को हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाना है, हाफ एन आवर के बाद मुझे खाना है, बिकॉज मेरे को अभी जो चीज़ दी गई है तो शायद उससे मुझे वॉमिटिंग भी हो सकती है। आपसे मिलते हैं गाइस बाद में। सो गाइस अभी कैब जा रहे हैं कार अंडर पार्किंग में लगाने के लिए, और हम लोग पहुँच चुके हैं नए घर के यहाँ पर, और आते आते थोड़ा बहुत कुछ सामान ले लिया, दही वही ले लिया, और बस जा रहे हैं अभी ऊपर, आपसे मिलते हैं ऊपर जाके। सो गाइस अभी जो स्टोर रूम था तो यहाँ पर स्टोर रूम बोलो गेस्ट रूम था, तो यहाँ पर अभी जो लाइट वाइट है तो कैफ अटैच कर देंगे, तो अभी यहाँ पर पर्दे लगाए, पाइप वाइप अभी कैफ ने लगाया जनाब ने, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, अभी सब यहाँ पर भी वो होगा, वायर लगा देंगे कैफ खुद ही। सो गाइस ये रूम में भी डाल दिए कारपेट, और यहाँ पर देखो कैफ ने चालू कर दी है ये लाइट। वो क्या है गाइस, रामू का अपना काम बहुत अच्छे से करता है।
ठीक है, मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स भी करा, अभी दूध गर्म करके कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए। मुझे छोड़ के जाओगे बीमार औरत को? अल्लाह ये देखो, ठीक है गाइस, देख लिया ना अपनी असलियत, यही है वो असलियत। क्या खेल रहे हो? मैं देखूंगी जो ऑर्डर करूंगी खाना। मैं भी कहां दिन भर से घर पे थी, अभी तो अल्लाह देखो मेरी कोई अभी कोई और होता ना सिरेन की या हम लोग की जगह पे, तो अभी तक छील बुन डालता था ये। दे ना उसको खेलने के लिए। मुड़ में आ गया जो बॉल क्यों मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलता था वो? देखो गाइस यहाँ पर जैनब ने अजवाइन बुन के दी, क्योंकि मेरी हालत देखो अभी भी ठीक नहीं हो रही है। लायला दीदी ने शायद अभी शाम को कॉल किया, बोले थे कि अजवाइन यूज करना, नमक मिक्स करके। हाँ तो जैनब ने बोली कि मैंने भी समदानी के टाइम पे ये करी, तो अभी मुझे उसने भून के दिया, मैं पहली बार अजवाइन खा रही हूँ बाबा। अरे फोन ऊपर करना, हाँ कर पाया गाइस। कल रात को घर आ गए, इसका चालू हो गया गाइस, व्लॉग चालू हुआ ना तो इसका चालू हो गया, ठीक है। तो रात को घर आ गए थे और घर आके व्लॉग की एंड नहीं हुई थी, तो जो शिरेन को जैनब दीदी ने आधा, तो मेरे को सुस्ताड़पन खत्म हो गया यार, छी। जो अजवाइन और काला नमक जो शिरिन ने वो करके खाया था, तो उससे उसको थोड़ा तो फर्क पड़ा था। हाँ पड़ा था क्या? तो ऐसे होम रेमेडीज या ऐसे आप लोग अपने पर्सनल नुस्खे प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसको डॉक्टर की दवाइयाँ तो अब काम नहीं कर रही है, तो अभी जो भी है ये आयुर्वेदिक और घर के नुस्खे ही काम आ सकते हैं। हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और बस यही का मत आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। शिव लोग उबासी आ रही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। हाँ गाइस, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल के एफ शिरिन ब्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अल्लाह हाफिज़।